मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े अब हमारे पास आ गए हैं, तो जल्दी से वो हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, कुल सीटें मध्य प्रदेश में 29 और ये देखिए बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 29 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस का खाता इस बार नहीं खुलेगा। ये अपने आप में बड़ा इसलिए क्योंकि सबकी नजरें छिंदवाड़ा पर रहती हैं जहां से नकुल नाथ को मैदान में उतारा गया है, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस पार्टी के हाथ नहीं लग रही है। बिल्कुल समीर, और ओपिनियन पोल में जो वोट शेयर यानी वोट प्रतिशत निकल कर आया है पार्टियों का वो भी बता देते हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश में बम्पर फायदा यानी 29 की 29 सीटें बीजेपी के झोली में जाती हुई ओपिनियन पोल में दिख रही हैं। 69.48% ये बीजेपी का वोट शेयर। इसके अलावा कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 22.17%, अदर्स के खाते में 2.35% और बाकी पता नहीं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस अपनी जो परंपरागत सीट है छिंदवाड़ा वो गवा देगी। जी हाँ, और ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की, क्या कहना था उनका आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो हमने आज ओपिनियन पोल किया है उसमें मध्य प्रदेश को लेकर जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए तो कम से कम खुशी देने वाले हैं। 29 की 29 सीटें आपको मिल सकती है, खास तौर से जो छिंदवाड़ा सीट जिसको लेकर के बीजेपी लगातार प्रयास करती रही, कोशिश करती रही, वो सीट भी इस बार आपको जा सकती है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले से। देखो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो हम सब कह रहे थे वह आपके ओपिनियन पोल ने अपने आप बता दिया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में जिस प्रकार से उनका अपना रुझान चल रहा है, जनता के दिलों पे वो राज करते हैं, विकास के मामले में पूरा देश उनके साथ है, दुनिया उनको इस अपने एक ऐसे नेता के रूप में जानती है जो सभी प्रकार के सारे विकास के कामों के साथ साथ अपनी पूरी जनभावनाओं का लेकर चलने वाले नेता के रूप में विश्व स्तरीय नेतृत्व करता वो निकल के आए हैं। तो मध्य प्रदेश ने 29 की 29 जो आपने लोकसभा का ओपिनियन बताया, निश्चित रूप से मैं आपका आभार भी मानता हूँ और जनता का आभार मानता हूँ जिनने अभी से हमारी प्रतिक्रिया दी। हम तो कह ही रहे हैं कि आपकी बार 400 पार और 29 की 29 पार। मोहन जी, लेकिन सीटों के साथ साथ इस ओपिनियन पोल में एक और बड़ा आंकड़ा है और वो ये कि आपका वोट परसेंट 10% बढ़ सकता है, 70% करीब आपके पास वोट शेयर आ सकता है और कांग्रेस का 12% कम हो सकता है। मतलब आप लोगों ने कई सारे बड़े नाम विधानसभा चुनाव में लेकर आ गए, नेतृत्व बदला, उसके बावजूद इस तरह का करिश्माई प्रदर्शन, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अपनी लगातार जब से भाजपा की सरकार बनी 2004 के बाद से धीरे धीरे ये लगातार ग्राफ बढ़ता गया। ये उसका बड़ा कारण कि कांग्रेस के नीचे से जनता का विश्वास उठ चुका है, हर बूथ पे कांग्रेस खाली हो गई, कांग्रेस के लोग लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, 50,000 लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है 70 है, भगवान इसमें और वृद्धि करेगा। समीर चौगावकर जी, आपके पास आ रही हूँ, मध्य प्रदेश के आंकड़े आप भी देख रहे हैं, ऐसा क्या कांग्रेस नहीं कर पा रही स्ट्रैटेजी के लिए जो बीजेपी विन कर जा रही है? हालांकि हिंदी बेल्ट का है, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा किया बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस उस बात को भुना नहीं पा रही है। देखिए, अगर कांग्रेस की मध्य प्रदेश की अगर राजनीति देखोगे, लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत होती चली गई है और शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है 2004 कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार आप देखिए वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ और कांग्रेस वहाँ पर गुटों में बटी रही। दिग्विजय का गुट रहा, कमलनाथ का गुट अलग वहाँ पर रहा, ज्योतिराज सिंधिया का अलग गुट रहा वहाँ पर, सुरेश पचोली जो नेपथ्य पे चले गए थे वो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मुझे लग रहा है आप 2014-2019 का परिणाम देखोगे तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कितनी मजबूत है, कांग्रेस कितनी मजबूत किला बड़ा। अमित समीर भाई, एक लाइन जोड़ देता हूँ, एक गढ़ जो जुड़ा हुआ था गुना का, वो अभी 2019 में हार गई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत गई थी। अब ज्योतिराज सिंधिया वापिस भाजपा में आ चुके हैं। मुझे लगता है छिंदवाड़ा अकेला जो बटा था वहां से बंटी साहू जो इस बार उम्मीदवार है वह नकुल नाथ को हराने जा रहे हैं। ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा दीपक, चिंता का विषय है। बीजेपी का मजबूत गढ़ और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, आपके वोट परसेंटेज में 12% की कमी मुमकिन है, छिंदवाड़ा भी चला जाए, क्यों है ये स्थिति? समीर भाई, जो ओपिनियन पोल में शुरू से कर रहा हूं फिर वही बात दोहराता हूं,
कि बात है कि हम मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं, जनता को बरगलाना चाह रहे हैं कि देखिए सब जगह भाजपा जीत रही, तो जनता के मन में आता है कि भाई जब भाजपा जीत रही तो अपना वोट खराब मत करो, भाजपा को दे दो। तो इस तरह का माहौल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देश के साथ मीडिया का धोखा है, देश के साथ इस पत्रकारिता जगत का धोखा है। आप सिर्फ मीडिया को भी भाजपा के साथ है, मुझे आपको टोकना पड़ेगा दीपक जी, आप सिर्फ ऊपर बबल बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप अपनी कमजोरी भी तो झांकेंगे ना, क्यों नहीं? अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या जमीनी हकीकत है ये तो समझेंगे? वक्त बहुत कम है मेरे पास सिद्धार्थ जी, मैं आपसे प्रतिक्रियन पोल समस्या, उन्हें विश्वास ही नहीं है सिद्धार्थ जी, दीपक जी को आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। मैं जवाब दे देता हूँ जी, एक सेकंड दीपक जी, अब सुन लेते हैं, सुन भी लीजिए, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सुन लेते हैं सिद्धार्थ जी, आप अपना भाषण देने नहीं आए, आप ओपिनियन पोल की डिबेट पे आए, अगर आपको नहीं आना था तो आपको मत आई विश्वास नहीं है तो, पर ठीक है 29 अगर ये बता रहे हैं, अभी तो विधानसभा का भी मैंडेट आया, विधानसभा के मैंडेट भी इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसका रिफ्लेक्शन नहीं है 29 नहीं तो आप बता दीजिए ना आपको कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, पर आप उस पर भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको अंदर अंदर पता है कि क्लीन स्वीप हो रहा है मध्य प्रदेश, आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जैसे विधानसभा में मैंडेट दिया था भाजपा को, ऐसा ही मैंडेट लोकसभा में मिलने वाला है। प्लीज दीपक जी, आपने अपनी बात रखी, आप तो अपने ड्रॉइंग रूम में बैठ के भाषण देने के मूड में, ये नेशनल टेलीविजन है, आपका ड्रॉइंग रूम नहीं है, नॉनस्टॉप मत बोलिए प्लीज, बहस में नॉनस्टॉप मत बोलिए, सबका सब पक्ष आना चाहिए। अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजीज साहब फ्रस्ट्रेशन हो गई है, ये तो मुझे लगता है एक तरह से जिस तरह से आप इतने बड़े सैंपल साइज को भी अगर बिल्कुल खारिज कर दें और पिछले दो चुनावों के नतीजों को भी दरकिनार कर दें तो ये तो जनता के वोटर्स के विवेक पर भी सवाल उठाना हो जाएगा कि आप बिल्कुल ही खारिज कर दें जी कि किसी चैनल ने ओपिनियन पोल चला दिया और उससे प्रभावित होकर वोटिंग हो गई। देखिए समीर भाई, मैं लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूं कि बीजेपी के लोग जो हैं, उनके उनके अपने लोग और उनके उनके समर्थक, स्वयंभू एक शब्द है स्वयंभू, वो खुद ही अपने आप को स्वयंभू घोषित कर रहे हैं, विश्व गुरु, और साहब एक तरफा कह रहे हैं साहब चुनाव एक तरफा है, ये कहां से निकल के आ रहा है एक तरफा चुनाव? अरे तो आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते खान साहब, नहीं समझ पा रहा हूं, ये एक तरफा चुनाव है कहां? क्या 10 साल के कारनामों को जनता नहीं देखेगी क्या? नहीं बिल्कुल देखेगी, बिल्कुल देखेगी, लेकिन वो तो दावों को देख रही है इसलिए वोट मिल रहा है। खान साहब, खान साहब, वो उनका दावा है कि इस बार 400 पार, आप लोग भी दावा कर दीजिए, हम वो भी चलाएंगे कि इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि 350 पार या 400 पार, आप बोल ही नहीं रहे हैं, निश्चित नंबर ही नहीं बता रहे हैं। ये बीजेपी 100 पार नहीं कर पाएगी, 100 पार नहीं कर पाएगी। अपना बोलिए भैया, हमारी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर, वोटर साइलेंट है, वोटर मन बना करके बैठा हुआ है, आप साइलेंट वोटर है, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी, बिल्कुल अपने बातों को स्पष्ट नहीं कर रहा, ठीक है, बताना नहीं चाहता, वोटर सीधा वोट जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन करेगा, वोटर साइलेंट है सिद्धार्थ जी, और इसीलिए वो इनको आकर के नहीं बता रहा है, और इसीलिए ये विश्वास नहीं कर रहे कि 400 पार होगा, और इसीलिए जिस दिन वोटर वोट करेगा जाके तो वो 400 पार करेगा। अरे आप हमारी चिंता कर रहे हैं, 100 भी पार नहीं होगा, अपना तो बोलिए, एक बार अखिलेश जी बोले कि भाई एनडीए इतने INDIA इतना आगे जाएगा, इंडी तो हम इतना कर देंगे, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि इनको सबको पता है वास्तव, ये टीवी पे बैठ के कुछ भी बोल पाए, इनको वास्तव में पता है, जमीन की हकीकत पता है, लोगों ने 10 साल का काम देखा है, पहली बार कोई सरकार आई है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों के बीच में जा रही है, विकास का रथ गांव गांव जा रहा है, लाभार्थियों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसने अपने सारे वादों को पूरा किया है, सारे एजेंडा को पूरा किया है, और जो अगले 5 साल का विजन रख रही है और अगले 25 साल का विजन भारत का विजन रख रही है। ओपिनियन पोल को आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, देश के सामने प्रस्तुत किए, और इतना ही वक्त था, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी, सिद्धार्थ जी आपका भी, दीपक जी आपका भी, समीर जी आपका भी।